और उस जगह पे आज के दिन में सीबीआई का कहना यह है डिजिटल एविडेंसेस था, यानी वो कॉल रिकॉर्ड, साथ ही साथ जो मैसेजेस, फेसबुक मैसेजेस, तो ऐसे बहुत सारे डेटा को अमेरिका से ऑलरेडी जून महीने में ही वो फाइल आ चुका है सीबीआई के हाथ में। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो सीबीआई की तरफ से एक करारा अपडेट अभी आप लोगों के सामने देने की बारी आ चुका है, यानी सुशांत सिंह राजपूत की केस में सीबीआई को लेके जो अपडेट आया है, वो अपडेट सुनने के बाद आपके सामने सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा कि अल्टीमेटली सुशांत सिंह राजपूत की केस में सीबीआई किस जगह तक पहुंच चुके हैं। और ये जो अपडेट है दोस्तों, ये अपडेट एक बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि इस जगह पे जो लोग सीबीआई को ब्लेम करते थे, जो लोग ये उंगली उठाते थे कि शायद सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई का कोई भूमिका नहीं है, तो ये वीडियो देखने के बाद कम से कम मुझे लगता है कि उन लोगों का वो डाउट क्लियर हो जाएगा कि अल्टीमेटली क्या सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के केस में काम कर रहा है या फिर नहीं। यानी अपडेट जो है वो अपडेट एकदम पूरा कंप्लीट अपडेट है, जो अपडेट सुनने के बाद आप किसी के मन में कोई भी सेकेंड क्वेश्चन नहीं रहेगा कि अल्टीमेटली सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेके हो क्या रहा है। और जिसके लिए ये वीडियो जो है, ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के केस की सीबीआई अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आपको मैं बता दूं कि आज से लगभग 2 महीने पहले सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली लॉयर विकास सिंह जी ने एक कमेंट किया था सीबीआई की इस इन्वेस्टिगेशन को लेके। यानी उनका कहना था कि सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के केस को हाथ में तो ले लिया, पर उसके बाद इस केस को नतीजे तक लेके जाने के लिए ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया जो कि आज तक लेना चाहिए था। और जिसके कारण उनका कहना उस समय पे ये था कि शायद सीबीआई इस केस को स्लो डेथ देना चाहते हैं। स्लो डेथ के मतलब कि सीबीआई इस केस को स्लोली स्लोली मारना चाहते हैं, यानी इस केस को धीरे धीरे लेके जाके एक टाइम पे जब लोगों की अटेंशन इस केस के ऊपर से खत्म हो जाएगा, उसके बाद इस केस को बंद कर दिया जाएगा, जो कि इससे पहले कई सारे केसेस में देखा जा चुका है। और यही स्टेटमेंट सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली लॉयर मिस्टर विकास सिंह जी के तरफ से डिलीवर किया जाते हैं हम लोगों के लिए। और विकास सिंह जी की दिया हुआ उस स्टेटमेंट के कुछ दिन बाद ही देवेंद्र फडणवीस जी के तरफ से एक स्टेटमेंट हम लोगों के सामने आते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में कुछ लोगों के पास ठोस सबूत होने की दावा किया जा रहा है, तो हम उस सबूत को कलेक्ट करके उस सबूत के ऊपर छानबीन कर रहे हैं, ताकि देखना यह है कि वो सबूत जो है वो एक्चुअली वैलिड सबूत है या फिर नहीं। अब इस जगह पे हमें 2 ओपिनियन मिलता है, एक तो विकास सिंह जी की ओपिनियन, जो कि विकास सिंह जी एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड वकील है, तो उनका कहना है कि ये केस को स्लो डेथ दे दिया जाएगा, यानी धीरे धीरे केस को बंद कर दिया जाएगा। पर दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि हम एविडेंस कलेक्ट करके एविडेंस को जांच रहे, यानी हमें 2 तरफ की बात मिलता है, पर अल्टीमेटली सीबीआई क्या कह रहा है। अगर सीबीआई की बात हम लोगों के सामने आ जाते हैं तो पूरी की पूरी बात स्पष्ट हो जाएगा। तो सीबीआई का कहना यही है कि आज से लगभग 2 महीने पहले भी सीबीआई एक बार कहा था कि हम अमेरिका से जो सुशांत सिंह राजपूत की केस का जो भी एविडेंस वगैरह है, यानी जो डिजिटल एविडेंसेस था, यानी वो कॉल रिकॉर्ड, साथ ही साथ जो मैसेजेस, फेसबुक मैसेजेस, तो ऐसे बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करके इंडिया में लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और उस जगह पे आज के दिन में सीबीआई का कहना यह है कि यूएसए से जो फाइल हम लोग लेके आने की कोशिश कर रहे थे और जिस फाइल के बेसिस पे हम इस केस को आगे तक लेके जाएंगे, वो फाइल अभी भी अमेरिका में ही, यानी यूएसए में ही अटका पड़ा हुआ है, और जब तक ना वो फाइल को रिलीज किया जाएगा, तब तक हम कोई ऐसा कदम नहीं ले पाएंगे जो कि हमें लेना चाहिए। क्योंकि सीबीआई का कहना यह है कि अभी तक जिस जगह पे इन्वेस्टिगेशन है, यानी जितना दूर तक अभी तक का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उस इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें जरूरत है वो डेटा जो कि फेसबुक और गूगल के तरफ से यूएसए से मांगा गया है, और वो डेटा आने के बाद ही उस डेटा के साथ अभी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो मिलाते हुए अगर सब कुछ सही रहा, तो ही जाके सुशांत सिंह राजपूत की केस की आगे की प्रोसेस, यानी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करने की प्रोसेस पे हम पहुंच सकते हैं। अब इस जगह पे बहुत सारे एनालिटिक्स का मानना ये है कि अमेरिका से ऑलरेडी जून महीने में ही वो फाइल आ चुका है सीबीआई के हाथ में, पर अभी तक सीबीआई उस फाइल को लेके कोई भी लीगल एक्टिविटी नहीं दिखाया है। और यहाँ पे दूसरी तरफ कुछ शोधकर्ताओं के मानना ये है कि नहीं, अभी तक यूएसए से वो गूगल और फेसबुक का जो रिपोर्ट लेके फाइल आने वाला था
वो फाइल अभी तक आया ही नहीं, और इस जगह पे ही दो ओपिनियन हम लोगों के सामने आ जाते हैं। पर अल्टीमेटली क्या सच है क्या नहीं है वो तो सीबीआई की ऑफिसर्स आराम से कह पाएंगे। पर अल्टीमेटली एक चीज के अगर ऊपर आप ध्यान देंगे तो चार ओपिनियन हम लोगों के सामने मौजूद होते हैं आज के दिन में। एक तो विकास सिंह जी की, वो केस को क्लोज करने वाली एक चांसेस है। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ से कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस का वो तमाम डेटा को छानबीन किया जा रहा है। साथ ही साथ दो तरफा बातें चल रहा है कि एक तो अमेरिका से फाइल आ गया और दूसरा कि अमेरिका से फाइल अभी तक नहीं आया। पर इसके ऊपर अगर सीबीआई की तरफ से कुछ डिटेल में कहा जाएगा इन फ्यूचर, तभी जाके हम जान पाएंगे कि अल्टीमेटली क्या हुआ है ना हुआ है। पर इसके रिलेटेड मैं बस एक बात कह सकता हूं कि अल्टीमेटली सीबीआई को चाहिए इमीडिएटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों की क्वेश्चन की आंसर देना, और तभी जाके ये जो डिपार्टमेंट है इस डिपार्टमेंट के ऊपर लोगों की भरोसा बना रहेगा। क्योंकि जब लोग अपना सवाल करेंगे दिल खोल के इस केस को लेके, और जब सीबीआई की तरफ से प्रॉपर आंसर हम लोगों के पास आएगा, तभी जाके ये जो डिपार्टमेंट है यानी लोग आज के दिन में भी दोस्तों अगर उनके साथ कोई अन्याय होता है तो लोग कहते हैं कि हमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए। मतलब कितना भरोसा है इस डिपार्टमेंट के ऊपर। तो जिसके कारण ये भरोसा को बुलंद रखने के लिए आज के दिन में जरूरत है बस और बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीबीआई की तरफ से। क्या आपको भी यही लगता है कि आज के दिन में सीबीआई की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सख्त से सख्त जरूरत है हमें? जो भी हो आपका ओपिनियन, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पर कमेंट तो जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा। टाटा।